झारखंड और देश विदेश की खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। 27% आरक्षण की मांग को ले बैसु मोर्चा ने राजभवन के समक्ष धरना दिया। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने, वैश्य आयोग का गठन करने, छोटे दुकानदारों एवं व्यापारियों के 10 लाख तक के ऋण माफ करने एवं वैश्य समाज के नेताओं, अधिकारियों तथा व्यापारियों के षड्यंत्र के तहत निशाना बनाने के खिलाफ झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा द्वारा सोमवार को जाकिर हुसैन पार्क राजभवन के समक्ष त्राहिमाम धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू, कार्यकारी अध्यक्ष हीरानाथ साहू एवं रेखा मंडल के नेतृत्व में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धरना दिया गया। इसमें 100 से अधिक केंद्रीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और प्रकोष्ठ संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन प्रधान महासचिव वीरेंद्र कुमार एवं इंद्रभूषण गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। यह खबर है जमशेदपुर से। जमशेदपुर में दुगने रफ्तार से ठीक हो रहे हैं कोरोना संक्रमित। शहर वासियों के लिए अच्छी खबर है। जिला प्रशासन को डर बना हुआ था कि दीपावली के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकती है, इसे लेकर तैयारी भी की गई है, लेकिन अब तक राहत की बात यह है कि मरीजों की संख्या बढ़ने की बजाय लगातार घटती जा रही है, जो अच्छा संकेत माना जा रहा है। यहाँ तक कि बहारागोड़ा प्रखंड कोरोना मुक्त भी हो चुका है। लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़, साहेबगंज में लड्डू समझकर बारूद का गोला खाने से हुई मौत। झारखंड में नक्सली लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते जा रहे हैं। जंगल से निकलकर अब सड़कों पर आ चुके नक्सलियों ने ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ताजा मामला लातेहार से है। यहाँ लातेहार जिले के घोर नक्सल प्रभावित बालूमाथा थाना क्षेत्र के जावाबार जंगल में भाकपा माओवादियों के दस्ते के साथ पुलिस की 1 घंटे तक गोलीबारी होती रही। डीवीसी की चेतावनी, फिर 13 दिसंबर से 7 जिलों में बिजली कटेगी, जाने क्या है पूरा मामला। डीवीसी ने बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़, चतरा और हजारीबाग जिले की बिजली आपूर्ति में 13 दिसंबर से कटौती करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 3 दिसंबर को पत्र देकर सूचना दी गई है। इसमें कहा गया है कि JVNL के पास बिजली मद में बकाया 4,950 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं होने के कारण यह कदम उठाया जाएगा। डीवीसी मुख्यालय कोलकाता के कार्यकारी निदेशक कमर्शियल अंजन डे ने कहा है कि बिजली आपूर्ति एवज में JVNL ने 30 नवंबर तक के 4,950 करोड़ रुपए से अधिक के बकाए का भुगतान नहीं किया गया। यदि 13 दिसंबर तक बकाया का भुगतान शुरू नहीं किया गया तो डीवीसी बिजली आपूर्ति के कटौती शुरू करेगा। यह खबर है रांची से। साइबर अपराधियों ने भी अपना ठगी का ट्रेंड बदला, तो आइए जानते हैं किस प्रकार से लोगों से अब ठगी करते हैं। साइबर अपराधी पहले बैंक का अफसर बन लोगों से ठगी करते थे, लेकिन अब इन्होंने अपना ट्रेंड बदल लिया है। अब साइबर अपराधी विभिन्न कंपनियों के जरिए लोगों को बल्क में लुभाने मैसेजेज भेजवा रहे हैं। इन मैसेजेज में फर्जी दस्तावेज के जरिए लिए गए नया मोबाइल नंबर भी पहुँचा रहा है। इसके अलावा साइबर अपराधी फ्रॉड के लिए गूगल में कस्टमर केयर की जगह अपना नंबर डालकर स्क्रीनिंग शेयरिंग ऐप के जरिए भी ठगी कर रहे हैं। वहीं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी लोगों के जानकारी लेकर इन्हें निशाना बना रहे हैं। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में इस बार 30% प्रश्न होंगे 1 अंक वाले। वर्ष 2021 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का पैटर्न बदलने की तैयारी की जा रही है। विभाग के प्रस्ताव के अनुसार मैट्रिक व इंटर बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय रिक्त स्थान भरे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या बढ़ाई जाएगी। विभिन्न विषयों में 20-30% तक प्रश्न 1 अंक के रहे होंगे। 1 अंक वाले प्रश्न में अधिकतर बहुविकल्पीय होंगे, जबकि कुछ प्रश्न रिक्त स्थान भरे व कुछ प्रश्न का जवाब परीक्षार्थियों को 1 वाक्य में देने के लिए कहा जाएगा। बंगाल की छात्रा ने बनाया अनूठा चश्मा। इस चश्मे से बिना मुड़े देख सकते हैं पीछे का सारा नजारा। चश्मा साफ हो तो नजारे भी साफ दिखते हैं, यह कहावत हम लोगों ने कई बार सुनी होगी। अब इस सोच को आगे ले जाते हुए बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले के एक छात्रा ने साबित किया है कि चश्मा खास हो तो नजारा मनचाहा भी हो सकता है। 12वीं की छात्रा
दिगंतिका बोस ने एक अनूठा चश्मा बनाया है जिससे हम आगे के साथ साथ बिना सिर घुमाए पीछे की भी दृश्य देख सकते हैं। इस बाल विज्ञान की खोज के सभी सराहना कर रहे हैं। इसे पेटेंट कराने का आवेदन दे दिया गया है। हालांकि नेत्र विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे किसी भी चश्मे का प्रयोग और प्रचलन में आने या लाने से पहले परीक्षण के दौर से गुजरना होगा। मेमारी में स्थित बीएम इंस्टीट्यूशन यूनिट 2 की छात्रा दिगंतिका बोस ने बताया कि उसने अपने इनोवेटिव आइडिया के तहत इस चश्मे का निर्माण किया है। भारत बंद। झारखंड में मेडिकल और इलेक्ट्रिसिटी छोड़कर सारी सेवाएं रहेंगी बंद। नए कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है। इसका असर झारखंड में भी पड़ने की संभावना है। बीजेपी को छोड़कर झारखंड के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। सत्ताधारी दल झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष व राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने भी इसके लिए अपना सहमति जताया है। सीएम ने सोशल मीडिया में इस पर अपना पक्ष रखते हुए लिखा है कि देश के आन बान शान है हमारे मेहनती किसान। देश के लिए मालिक को मजदूर बनाने के केंद्र सरकार के षड्यंत्र के खिलाफ झारखंड में भी होगा इसका असर। इधर आप विरोध कर रहे हैं, उधर गजट निकाल रहे हैं। कृषि कानून पर केजरीवाल को लेकर रविशंकर बोले। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है अरविंद केजरीवाल सरकार ने 23 नवंबर 2020 को नए कानून को नोटिफाई करके दिल्ली में लागू कर दिया है। उन्होंने कहा इधर आप विरोध कर रहे हैं और उधर आप गजट निकाल रहे हैं। गौरतलब है कि केजरीवाल सोमवार को आंदोलनरत किसानों को मिलने पहुँचे थे। बिना मास्क के पकड़े जाने पर ग्वालियर में कोविड-19 पर लिखवाया जाएगा निबंध। ग्वालियर में मास्क न लगाने समेत कोविड-19 के अन्य नियमों के उल्लंघन पर लोगों से सजा के तौर पर कोविड-19 पर निबंध लिखवाया जाएगा। ग्वालियर के जिला अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि रोको टोको कैंप शुरू किया गया है जिसके तहत लोगों से जुर्माना वसूलने के अलावा उन्हें कोविड-19 नियमों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। 970 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाले नए संसद भवन में क्या क्या होगा तो आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे जो 970 करोड़ में टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा बनाया जाएगा। नया भवन 64,500 वर्ग मीटर में बनेगा जिसमें 4 खंड होंगे और यह वर्तमान इमारत से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। 6 प्रवेश द्वार और 120 ऑफिस स्पेस वाले नए भवन का काम 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। रद्द उड़ान के यात्रियों के 31 जनवरी 2021 तक टिकट के रुपये लौटाएंगे इंडिगो। एयरलाइन इंडिगो ने कहा है कि वह लॉकडाउन के चलते रद्द हुई अपनी उड़ानों के सभी यात्रियों को टिकट के रूप में 31 जनवरी 2021 तक लौटा देगी। इंडिगो के सीईओ रोनाजाय दत्ता ने कहा लॉकडाउन की वजह से मार्च के अंत में हमारे पास नकदी का प्रवाह रुक गया था इसलिए हम यात्रियों का पैसा लौटा नहीं पा रहे थे। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा भारत बंद। आम आदमी को परेशान नहीं करना चाहते हैं किसान संघ। भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता राकेश टिकेत ने सोमवार को कहा है किसानों द्वारा मंगलवार को बुलाया गया भारत बंद सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। उन्होंने कहा हम आम आदमी को परेशान नहीं करना चाहते हैं इसलिए हम सुबह 11 बजे से इसकी शुरुआत करेंगे ताकि वे समय पर दफ्तर के लिए रवाना हो सकेंगे। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन में कोविड-19 की वजह से होगी देरी इसरो के प्रमुख बोले। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के बारे में इसरो प्रमुख के सिवान ने कहा है कोविड-19 की वजह से इसमें देरी होगी। गौरतलब है कि मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को दिसंबर 2021 तक भेजा जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 100 से अधिक सरकारी कंपनियों ने पीएम के
केयर में वेतन से दान किए 155 करोड़ रिपोर्ट्स के मुताबिक। रिपोर्ट के अनुसार एक आरटीआई से पता चला है कि 101 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने कर्मचारियों के वेतन से आपातकालीन राहत कोष पीएम केयर फंड में लगभग 155 करोड़ दिए। इसमें पीएसयू के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से दिए गए 2422.8 करोड़ शामिल नहीं है। वही घाटे में चल रहे बीएसएनएल ने इसमें 11.43 करोड़ दिए। टीएमसी किसानों के साथ खड़ी है लेकिन भारत बंद का समर्थन नहीं करेंगे, एमपी सौगत राय बोले। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने कहा है कि उनकी पार्टी टीएमसी आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ी है लेकिन वे पश्चिम बंगाल में भारत बंद का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। गौरतलब है कि नए कृषि कानून के विरोध में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। जब तक समाज में भेदभाव रहेगा एससी एसटी के लिए आरक्षण जारी रहेगा, सुशील मोदी बोले। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जब तक समाज में भेदभाव रहेगा लोकसभा विधानसभा और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में है। कुंभ मेला के टेंट सप्लायर ने फर्जी बिल के जरिए यूपी सरकार से की 109 करोड़ 85 लाख की ठगी। यूपी सरकार से 109 करोड़ 85 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में टेंट सप्लायर लल्लू जी एंड सन्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सप्लायर ने कुंभ मेले के लिए किए गए सामानों के बदले कथित तौर पर सरकार को फर्जी बिल दिए थे। सप्लायर ने फरवरी 2017 और जुलाई 2019 के बीच बिल दिए गए, जांच में 86 करोड़ 38 लाख के बिल मिले। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।